तुमने मेरे साथ किया है प्रलय आने वाला है। मगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है। इसे भी बड़े दो साइकोस की जरूरत है। तो बड़ मियाँ छोटी मियाँ की एक्शन सीन को लेकर डायरेक्टर ने किया है कि बड़ा खुलासा। जी हाँ, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह दोस्तों काफ़ी बड़े बजट की फिल्म है जिसमें हम भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। आलिया अब्बास जफर द्वारा निर्देशित यह फिल्म ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अब डायरेक्टर ने हाल ही में कहा है कि शूटिंग पर रोजाना 9 से 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। फिल्म के बजट के बारे में आलिया बाद जफर ने बात करते हुए खुलासा किया कि एक समय था जब फिल्म की शूटिंग पर प्रतिदिन 4 करोड़ खर्चा होते थे। शूटिंग से पहले कार उड़ाने की रिहर्सल की गई जिसमें 30 से 40 लाख की गाड़ियां उड़ गई। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फाइनल शूटिंग में कोई दिक्कत ना हो। अली ने कहा कि फिल्म बनाते समय सबसे बड़ा दाव बजट का होता है। आगे उन्होंने कहा कि फिल्म से जुड़े कलाकार निर्माता भी बजट का दाव महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाए और लोग उसके आश्चर्यचकित हो तो आपको उस पर पैसा खर्चा करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया फिल्म के एक्शन सीन के लिए क्रेन माइक्रेन के टैलेंट का सहारा लिया गया है। एक्शन की दुनिया में जाना पहुंचना नाम ही क्रेन माइक्रेन ने मैड मॉक और लेजेंड्स एस ऑफ वेल्टान फिल्मों में काम किया है। चाहे वह विमान से कूदने का दृश्य हो या फिर उग्र लड़ाई माओ एक्शन द्वारा में जाना लड़ाई देते थे। ऐसे में यह एक देखना चिलचस्प होगा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ उन्होंने क्या कमाल किया है और दर्शकों को यह कितना पसंद आया है। वहीं दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बात करें तो इस फिल्म के निर्माता है वासु भगवानी। फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, आलिया भट्ट में हमें पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिलेंगे। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है बड़े मियाँ छोटे मियाँ ओपनिंग डेट पर वर्ल्ड वाइड कितने करोड़ का कलेक्शन करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।